1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19। हे किताब प्रेमियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे और सीख रहे होंगे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और जीतते रहिए, जीवन में अच्छा करते रहिए। आज का वीडियो आप देख रहे होंगे कि अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाला है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल चली रही थी, तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर करी है, उसी के बारे में हम बात करेंगे और अनबॉक्सिंग करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले अमेजोन का एक मेरे पास में कुरियर है, जो कि इस तरह से मुझे डैमेज आया, मतलब ये पूरा खुला हुआ था जब कुरियर प्रोवाइडर मुझे दिया। लेकिन हाँ, इसमें से जो बुक्स है वो बिल्कुल अच्छी है, कोई बिना कोई फटी हुई कंडीशन में या फिर ख़राब नहीं हुई है, सही से बुक्स आई है, तो ठीक है चलो। लेकिन फिर भी ये जो है लीकेज हो गया था। तो ठीक है, सबसे पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं हम। इसमें है 3 किताबें, बाकी खाली है, पर होगा भी कुछ तो शायद उन्होंने निकाल लिया होगा। पहली किताब है, सबसे पहली किताब दुष्यंत कुमार की साए धूप में। उसके बाद दूसरी किताब है गोदान मुंशी प्रेमचंद की। तीसरी किताब है डेथ बाय सदगुरु। ये तीनों किताबें, उसके बाद में एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स ले लेते हैं, काफ़ी हेवी लग रहा है, इसको हम कट करके देखते हैं। जिसकी उम्मीद थी वो आ चुकी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी परमहंस योगानंद की। और इसका कोना थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, काफी अच्छी दिख रही है किताब। साथ में बिल है और एक बुकमार्क है, ठीक है। एक और ये किताब मैं फटाफट अनबॉक्सिंग कर देता हूँ, उसके बाद में आपको इसका सारा ओवरव्यू दूंगा। लेकिन सभी की मैं अनबॉक्सिंग कर नहीं पाऊंगा, एक दो की और कर देता हूँ, उसके बाद मैं खुद करके आपको एक एक बुक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। एक और बॉक्स ले लेते हैं, इसमें कौन सी है। इसमें दो बुक्स है, इसको नीचे डाल देते हैं। पहली है इब्ने बतूती, जिसे लिखा है देवप्रकाश दुबे ने। ये उनका भी नया उपन्यास आया है, उपन्यास इब्ने बतूती। दूसरी है फ्लावर्स ऑन द पाथ बाय सदगुरु, ये इंग्लिश में है। ओके, उसके बाद में ये ले लेते हैं, जिसका मुझे The 5 AM Club by Robin Sharma। काफी सही लग रही है, नाइस बुक और मोटी भी है, और कुछ ना बिल ना बुकमार्क। नेक्स्ट बिल नो बुकमार्क, मौन मुस्कान की मार बाय आशुतोष राणा। ये व्यंग की कुछ कहानियां हैं, इसमें व्यंगात्मक, मौन मुस्कान की मार। इन सबको खोलकर मैं आपसे बात करता हूं और एक एक बुक्स के बारे में बताता हूं, तो थोड़ा सा पास आ जाइए। ओके, तो मैंने जितनी भी सारी बुक्स थी मैंने सबको अनबॉक्स कर लिए। अब आपको मैं एक एक बुक्स के बारे में थोड़े थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद में आगे की जितनी भी वीडियोस आएंगे इन्हीं बुक्स के ऊपर आएंगे। और भी बुक्स पढ़ी है, लेकिन अभी फिलहाल समय नहीं मिल पा रहा है, थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, इसलिए इतने बेतरतीब से ढंग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप, मुझे पता है कि एडजस्ट कर लेंगे। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहे। और आपके लिए नए प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, बहुत जल्द आने वाले हैं, तो बने रहिए तो किताब वाला के साथ में। किताबों के बारे में बात हम अभी कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये है
एक किताब जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। ये मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था और ये मेरे कार्ड में भी था, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इसको पढ़ना एक बार, तो मैंने इसको परचेज कर ली थी। उसके बाद में है आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये भी मुझे पढ़ना था, जोसेफ मर्सी की। मैंने इसको ऑनलाइन पढ़ा था लेकिन ऐसे पढ़ नहीं पाया था, तो मुझे हार्ड कॉपी चाहिए थी, मैंने इसको हार्ड कॉपी मंगवा ली है। उसके बाद में है आशुतोष राणा की मौन मुस्कान की मांग, मौन मुस्कान की मार। ये है व्यंगात्मक, तो कुछ टिप्पणियां हैं इसमें जो कि काफ़ी अच्छी, इसका रिव्यू मैं आपको जल्दी दूंगा, वैसे सबके रिव्यू दूंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल बता रहा हूँ। जीवन के अद्भुत रहस्य, गोपाल दास की किताब है, हिंदी में है और काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सही है। उसके बाद में अक्टूबर जंक्शन, इसे आप जानते होंगे, देव प्रकाश दुबे की लिखी हुई किताब है। और मैंने देव प्रकाश दुबे की पहले कोई किताब पढ़ी नहीं थी, तो मैंने अक्टूबर जंक्शन और इब्न बतूती दोनों को साथ में ऑर्डर कर लिया। मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसको पढ़ेंगे। राहत, हमारे राहत साहब की राहत इंदौरी की, दो कदम और सही, इसमें नुमाइंदा शायरी है जिसकी ये किताब है, और बाकी तो क्या ही कहने राहत साहब की, तो ये किताब है। उसके बाद में आती है, इधर लगा हो जाऊँ, 21 अनमोल कहानियाँ मंटो की लिखी हुई, ये मंटो की लिखी हुई 21 अनमोल कहानियाँ हैं, जो कि मैंने सुना है मंटो के बारे में कुछ अलग सा, और मैंने पढ़ा भी था कहीं पर, तो मैंने सोचा क्यों ना मंटो को एक बार पढ़ा जाए, तो मंटो की कहानियाँ। उसके बाद में ये, उसे तो आप देखते होंगे, ये मैंने अमेजोन, मतलब ये जो सेल चल रही थी उससे पहले मंगवाई थी, लेकिन सोचा कि मैंने बताया नहीं आपको, तो मैं इसके बारे में बता दूँ। सन्यासी की तरह सोचे, जय शेट्टी की लिखी हुई हिंदी एडिशन की किताब है, ये मैं पढ़ रहा हूँ फिलहाल, तो इसके बाद इसका रिव्यू आपको जल्दी आने वाला है। उसके बारे में ये कौन नहीं जानता है, इकिगाई, दीर्घायु तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य, इसको भी पढ़ेंगे, इसके ऊपर भी वीडियोज आएंगे, वीडियो तो सबके ऊपर आएंगे। पाजी नज़मे, ये पाजी नज़मे मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इससे पहले मुझे जब भी मैं पढ़ता था इसको, तो मुझे लगता था कि पानी नज़मे, तो मैं किसी को भी सजेस्ट करता था कि आप पानी नज़मे ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास में इसका जो एडिशन था वो था किंडल पर, ठीक है, तो मैं किंडल पर पढ़ लूँ क्योंकि वो कम है, तो वहाँ पर मैं पढ़ लेता था। इसका हार्ड कॉपी मुझे चाहिए था, फिर मुझे यहाँ साइड में लिखा हुआ पता चला कि यह पाजी नज़मे पानी नज़मे नहीं है, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था देखने में, तो उसके लिए अगर किसी ने देखा हो या किसी ने, मैंने उनको सजेस्ट किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे, इसको पानी नज़मे की जगह पाजी नज़मे कर लीजिएगा, इसका रिव्यू बाद में लेकर आएंगे। ये है 41 अनमोल कहानियाँ भाई प्रेमचंद की, प्रेमचंद की 41 अनमोल कहानियाँ हैं इसमें, जिसको मैं अगर होगा तो आपको सुनाऊँगा कभी फुर्सत में। उसके बाद में है कर्मयोग, स्वामी विवेकानंद की लिखा हुआ है ये कर्मयोग, पतली सी किताब है, फटाफट निपटा लेंगे कर्मयोग। मेरी डायरी, ये मेरे फ्रेंड की किताब है, मेरी डायरी मोरी शनार साहब, ये भी मैंने सेल से पहले खरीद ली थी लेकिन मैंने आपको बताया नहीं था, तो मैंने आपको बता दी मेरी डायरी, इसमें पोइट्री है, पोइट्री किताब है ये भी काफ़ी अच्छी है। इसका रिव्यू जो है मैंने वो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, क्या इंस्टाग्राम पर नहीं आप तो जाइए वहाँ फॉलो कीजिए हमें द किताब वाला को, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह की लिखी हुई उर्वशी, उर्वशी मुझे मैंने रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी पढ़ी है, काफ़ी सही ये किताब है, तो मैंने सोचा क्यों ना उर्वशी भी एक बार पढ़ी जाए, तो उर्वशी को भी पढ़ेंगे, उर्वशी थोड़ी सी बाद बात करेंगे। ये योगी कथामृत, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये मुझे बहुत पहले से चाहिए थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे सजेस्ट भी किया था इस किताब के बारे में, लेकिन सही से मिल नहीं पा रही थी, या मिल तो रही थी लेकिन समय नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मैं आपको पहले पता है मैं चीज़ें बल्क में ऑर्डर करता हूँ, मतलब किताबें जो है वो एक साथ में ऑर्डर करता हूँ, तो इसीलिए इसका ये नतीजा है, क्योंकि मुझे एक एक करके ढूंढना वगैरह, लेकिन मैंने कार्ड में डाल दी थी इसको जैसे ही ऑफर आया और मैंने इसको खरीद ली, द ऑटोबायोग्राफी जो कि सभी सजेस्ट करते हैं। उसके बाद में इससे तो आप जानते ही द फायर क्लब, इसको मुझे पढ़ना था रोहित शर्मा की, तो एक ये किताब है, इसका रिव्यू भी जल्दी आएगा। उसके बाद में है फ्लोर्स ऑन द पाथ बाय सद्गुरु, ये किताब इंग्लिश में है, तो पढ़ेंगे इसको भी ट्रांसलेटर लगा के। कल्चर यक्षा, ये बशीर बद्र का समग्र है, और मेरे पास में जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास में अभी तक इससे मोटी पोइट्री की किताब कोई नहीं है। हाँ, अभी फिलहाल मेरे पास में दो किताब पोइट्री की मोटी मोटी किताबें आई हैं, राज इंदौरी साहब की और बशीर बद्र साहब की, लेकिन राज इंदौरी साहब से भी मोटी किताब ये है, अगर आप देख पा रहे होंगे
क्योंकि इसमें बहुत आप जहाँ से भी खोलेंगे आपको वहाँ से एक गज़ल मिलेगी और काफ़ी सही लिखी हुई, काफ़ी अच्छी है, मुझे काफ़ी पसंद आई कल्चर एक्सा और आतंक साहब तो आपको जानते ही हैं। उसके बाद में इब्ने बतूती जो कि देवप्रकाश दुबे का नया उपन्यास है, इसको भी पढ़ेंगे, इसके बारे में बताएंगे आपको। और फिर है सतगुरु के लिखे हुए डेथ, कि मुझे पढ़नी थी, इसका हिंदी वर्जन मुझे नहीं मिल रहा था और मुझे इसको पढ़ना था, बाकी पूरी इंग्लिश में। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हिंदी किताबों को प्रेफर करता हूँ और इंग्लिश की तो ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी ही पढ़ें, अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हम उससे डरना नहीं है। हम ये सोचते हैं कि भाई इंग्लिश नहीं आ रही तो हम डर जाएंगे और किताब नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप मंगवाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है मदद लीजिए किसी की या गूगल की या जो भी आप जहाँ से भी उसको मतलब लेते, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता हम इंग्लिश से भाग जाएंगे, इंग्लिश से बच जाएंगे, जी नहीं। जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ का पहले तो सामना करो, यही सबसे बड़ा एक मंत्रा है, क्योंकि अगर आप सामना नहीं करोगे तो आप जितना उस चीज़ से भागोगे वो चीज़ उतना ही आपको डराएगी। इससे अच्छा है, क्योंकि मैं इंग्लिश से भागता रहता हूँ हमेशा, मैं सोचा क्यों ना इससे थोड़ा, लेकिन मेरे इससे पहले मेरे पास इंग्लिश किताबें हैं कुछ जिसको मैंने पढ़ा है और ये भी है, तो ये भी इसको भी पढ़ेंगे, जहाँ समझ में नहीं आएगा किसी की मदद लेने या फिर आप यहीं से बताने के लिए हमें। तो ये है डेथ सतगुरु की। और वैसे मैं कोई सतगुरु का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन इनकी किताबें काफ़ी अच्छी होती हैं इसलिए मैं इनको मंगवा लेता हूँ, बाकी इसका कोई ये नहीं। नेक्स्ट है गोदान बाय प्रेमचंद, ये मैंने पढ़ी थी, इसकी कहानी भी पढ़ी थी और किताब भी पढ़ी थी, लेकिन मुझे ये वाला एडिशन चाहिए था थोड़ा नया वाला, और बाकी पुरानी किताब वो कहाँ गई मुझे अभी तक नहीं मिली है, इसलिए मैं दोस्तों को किताबें देने से बचता हूँ, क्योंकि जो भी किताब जाती है वो वापस नहीं आ पाती। और आपको पता है कि अगर कोई बुक लवर है जो कि किताबों का कलेक्शन पसंद करता है तो उससे बुक मांगना मतलब पूछो ही मत। तो ये है गोदान प्रेमचंद की लिखी हुई, इसको मैं फिर से पढ़ लूँगा क्योंकि पढ़ने में तो मज़ा आता ही है। लास्ट किताब है दुष्यंत कुमार की साय धूप में, इसमें इसका पोइट्री कलेक्शन है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये जो पूरी पोइट्री है वो ऑफसेट कलर में है, आप देख पा रहे होंगे इस टाइप की है, इसमें भी मैं आपको कुछ सुनाऊंगा, ये भी काफ़ी अच्छी है दुष्यंत कुमार की लिखी हुई। ओके, तो लगभग अपने पास में कितनी किताबें आ चुकी है मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इन सभी किताबों की अनबॉक्सिंग में मुझे एक चीज़ मिली है, पता है वो एक चीज़ क्या है? एक बुकमार्क। थोड़ा तो शर्म करो यार, क्या कर रहे हो, इतनी सारी बुक्स खरीदी और आपने एक बुकमार्क दिया है? अमेजोन फ्लिपकार्ट थोड़ा तो देख लीजिए करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ओके 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 बुक्स मैंने खरीदी है अभी। अब इसके रिव्यूज़ आएंगे, मैं पढ़ के बताऊँगा, और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है आपके लिए। थोड़ी व्यस्तता थी, काफ़ी व्यस्तता थी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा व्यस्तता थी, इसलिए हम बेतरतीब से बैठे हैं और आपको इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप समझदार हैं, आप काफ़ी किताबों के बारे में जानकारी रखते हैं, मुझे भी सजेस्ट किया कीजिए कि किस तरह की मुझे किताबें पढ़नी चाहिए और किस तरह के वीडियोज़ आप आगे चाहते हैं, और बहुत सारी बातें करने के लिए लेकिन समय की पाबंदी है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए और द किताब लोग इतना प्यार देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।